गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, बी रेडी फॉर ग्रामर पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर टॉपिक पंक्चुएशन आर पंक्चुएशन मार्क, विराम या विराम चिन्ह। स्टूडेंट, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स टाइटल इज पंक्चुएशन, जिसका नाम है विराम चिन्ह। मैनी स्टूडेंट्स मस्ट नो अबाउट इट, बहुत से बच्चों ने इसके बारे में जानते भी होंगे। एंड दे नो हाउ टू अप्लाई पंक्चुएशन मार्क, उन्हें पता होगा कि पंक्चुएशन मार्क कैसे अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट इट विद इट्स डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क, किसे कहा जाता है? पंक्चुएशन मार्क्स आर दोज साइन विच हेल्प इन मेकिंग अ सेंटेंस क्लियर इन मीनिंग। उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है जो किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं और उनका रोल सेंटेंस का अर्थ क्लियर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप, हम किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। इट व्हाट डज इट मीन, क्या मीन है इसका? इट रेफर द सेंटेंस इज कम्प्लीटेड एंड द इंफॉर्मेशन इज ओवर, इसका मतलब है सेंटेंस कम्प्लीट हो गया, बात पूरी हो गई और सूचना ख़त्म। सेकेंड एग्जाम्पल लाइक क्वेश्चन मार्क, वाई डू वी पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, इट मीन्स वी हैव सम क्वेरी फ्रॉम स्पीकर, हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। वी हैव सम डाउट, हमारे दिल में कुछ डाउट है, भ्रम है उसको सेंटेंस को लेकर, हम कुछ नॉलेज चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी पुट क्वेश्चन मार्क, इसीलिए हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सेंटेंस के एंड में, एंड सेंटेंस बिकम इंटरोगेटिव और उससे वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। सेम सेमी कॉलम एंड कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फुल स्टॉप। सबसे पहला रूल, पहला साइन हम फुल स्टॉप को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एंड टेल्स द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट विच स्पीकर वांट्स टू गिव। फुल स्टॉप किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है। एंड इट टेल्स, और ये हमें बताता है कि सूचना पूरी हो गई, जो वक्ता हमें सूचना देना चाहता था वो कंप्लीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ ए गुड गर्ल, हमारे पास सेंटेंस है सीता एक अच्छी लड़की है। लास्टली वी पुट फुल स्टॉप, और हमने इसके लास्ट में क्या लगाया है, फुल स्टॉप। इट मीन्स नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सीता वी हैव, इससे ज़्यादा हमारे पास सीता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिंपल, सीता एक अच्छी लड़की है, वो कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, किसके साथ पढ़ती है, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स वाई फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, इसीलिए इस सेंटेंस के एंड में क्या लगा दिया गया, फुल स्टॉप। एंड वेयर अदर फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज, और इसके अलावा फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज एट द एंड ऑफ कैपिटल लेटर, इसको हम कैपिटल लेटर के लास्ट में लगाते हैं टू मेक इट एब्रीवेशन, ताकि किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल पी फुल स्टॉप एम, एम फुल स्टॉप, यानी कि पी फुल स्टॉप किसके लिए, पी और एम के बाद जो फुल स्टॉप है वो किसके लिए स्टैंड आउट करता है, पी फॉर प्राइम एम फॉर मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट लिखने की बजाय वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म बाय पुटिंग फुल स्टॉप आफ्टर ईच कैपिटल लेटर। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बाद में हर कैपिटल लेटर के बाद में फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग क्लियर माई पॉइंट्स? नेक्स्ट इसको हम क्लियर करते हैं दिसंबर से। वी नो दिसंबर स्पेलिंग इज डी ई सी ई एम बी ई आर, बट वी कैन राइट इट डी ई सी फुल स्टॉप, हम दिसंबर की स्पेलिंग हमें पता है कि क्या होती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डी ई सी फुल स्टॉप लिख सकते हैं। एवरीबॉडी नोज अबाउट डी ई सी फुल स्टॉप स्टैंड्स फॉर दिसंबर, सभी को पता है। ग्रामर की बुक में देखो आप, एनसाइक्लोपीडिया में देखो, डिक्शनरी में जाओ कि अगर जहाँ आप एब्रीवाइशन ढूंढोगे
तो यू विल फाइंड डी ई सी स्टैंड फॉर डिसम्बर. सेकेंड सेकेंड साइन इज कॉमा. कॉमा वी नो हम हिंदी में भी लगाते हैं कॉमा. इट इज़ यूज इन ए सेंटेंस टू शो पॉज एंड डिफरेंस. किसी सेंटेंस में इसका यूज़ गैप के लिए या किसी चीज़ को अलग से करने के लिए लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए पेन ए पेंसिल एंड अ बुक एंड अ बुक. आई सब्जेक्ट क्या कहता है, कर्ता क्या कहता है, मैंने एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी और एक बुक खरीदी और एक किताब खरीदी. लेकिन उसने कॉमा कहाँ यूज़ किया, पेन के बाद. और पेंसिल के बाद और बुक के बीच में हमने कोऑर्डिनेटर क्या लगाया, लिंकर क्या लगाया, एड, क्योंकि हमें यहाँ कॉमा रिक्वायर्ड नहीं. कॉमा हमने फर्स्ट थिंग के आगे लगाया. यू ही एंड आई आर ऑन ए सेम एग्जाम्पल. यू के बाद हमने कॉमा पुट किया, आफ्टर दैट ही, और आई के बिटवीन में हमने लिंकर यूज एंड किया. थर्ड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एड्रेस समवन. इसका यूज़ किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन कम हेयर, मोहन यहाँ आओ. बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़, बच्चे या लड़कों शोर नहीं करो. थर्ड साइन इज सेमी कॉलम. सेमी कॉलम इज यूज इन अ सेंटेंस व्हेन पॉज आर ब्रेक मोर देन कॉमा इज रिक्वायर्ड. सेमी कॉलम कहाँ यूज होता है, सेमी कॉलम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, फुल स्टॉप उसके नीचे ही कॉमा, इसे बोलते हैं सेमी कॉलम. सेमी कॉलम को किसी सेंटेंस में वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें गैप की ज़रूरत कॉमे से ज़्यादा होती है, जहाँ हमें कॉमे से ज़्यादा गैप, ज़्यादा इंटरवल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अवर मदर इज स्लीपिंग, माँ सो रही है, therefore we must not disturb make a noise. इसीलिए हमें कब तक शोर नहीं मचाना चाहिए, जब तक माँ उठ नहीं जाती. और माँ कब उठेगी, इट इज़ नॉट श्योर. माँ के सोने में और उठने में देयर इज़ अ टाइम गैप. इट विल बी ऑफ, इट मे बी ऑफ 30 minutes, 40 minutes और 1 hour. यह हो सकता है आधे घंटे का, 40 minutes का, 1 hour का. तो सो कॉमा से ज़्यादा टाइम गैप हुआ तो वी रिक्वायर्ड सेमी कॉलम हेयर. वी कैन क्लियर इट थ्रू एन अनदर एग्जाम्पल. हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्ले इज़ वेरी लॉन्ग. प्ले क्या होता है, नाटक बहुत लंबा है. हमें कैसे पता चला कि नाटक बहुत लंबा है, बिकॉज वी सी सो मैनी पेजेस आर देयर, वी हैव टू रीड इट. इसके बहुत सारे पेजेस हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा वट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस, वट इज़ इज एक्सट्रैक्ट, वट इट इज जिस्ट एंड वट इज इट्स एंड, कि इसका विशेष क्या है, सारांश क्या है और अंत क्या है. और हाउ एवर इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. और इंटरेस्टिंग का कैसे पता चलेगा, बाय रीडिंग इट्स क्लाइमेक्स, इसके अंत को पढ़कर, इसका कंक्लूजन देखकर. ये हम बात कब कह सकते हैं, व्हेन वी हैव कम्प्लीटली रीड आउट दिस, जब हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसको पढ़ने के लिए टाइम इंटरवल इज रिक्वायर्ड. सो वी यूज्ड सेमी कॉलम हेयर. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज साइंस. इट इज़ नॉट कम टॉपिक इज नॉट कम्प्लीटेड. वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.